तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज कर, बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला गया। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस हो। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाई पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबाह नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2024 एडमिशन स्टार्टेड। Contact and visit school for more details. पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए, और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। फर्स्ट ये आज थोड़ा हम तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन June 4th। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाइए जरा, ये देखिए 31 मई मैसिव स्टॉक एक्टिविटी, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 30th, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 29, 28। ये अनोमली देखिए, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, व्हाई डिड पीएम एंड एचएम गिव स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एडवाइस टू द 5 करोड़ फैमिलीज इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट? इज इट देयर जॉब टू गिव इन्वेस्टमेंट एडवाइस? सेकंड, व्हाई बोथ इंटरव्यूज वर गिवन टू द सेम मीडिया हाउस ओन्ड बाय द सेम बिजनेस ग्रुप
which is also under SEBI investigation for manipulating stock market. Third, what is the connection between the BJP, the fake exit pollsters and the dubious foreign investors who invested one day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of 5 crore families? We demand a JPC into this. We are absolutely convinced that this is a scam. Somebody has made thousands of crores of rupees at the cost of Indian retail investors, and the Prime Minister and the Home Minister have given an indication to buy. And this is a criminal act. So we demand today a joint parliamentary committee to investigate this. This video presented by Peace Islamic International School Branch, Hagraga Road and Misbah Nagar, Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2024 admission started. Contact and visit school for more details.